नमस्कार दोस्तों, आई हूँ डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टेस्टिस में क्या कारण से पेन होता है, क्या कारण है कि पेन जाता नहीं है, किस किस तरह का पेन हो सकता है, क्या जो है वार्निंग साइन होते हैं कि जिसमें तुरंत आपको डॉक्टर को जाना है, और अगर भाइयों में कभी जैसे कि कुछ भाइयों में एक को पेन हुआ टेस्टिस में, क्या दूसरे को भी हो सकता है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत ही करें, और अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो उसके एंड में तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो है जो टेस्टिस में जो सबसे पहला जो कारण है पेन होने का वो हो सकता है वैरिकोसील। वैरिकोसील के ऊपर हमने दो वीडियोस पहले बनाए हैं जिसमें हमने चर्चा करी कि वैरिकोसील क्या होता है और उसको कैसे ट्रीट करते हैं। वैरिकोसील का जो पेन होता है वो डल एकिंग पेन होता है, वो सडन ऑनसेट नहीं होता। सडन मतलब कि एकदम अचानक आप कुछ भी कर रहे हो और अचानक से दर्द हो गया तो वो सडन ऑनसेट हो गया, तो ऐसा नहीं होता। वो पेन जो है कांस्टेंट बना रहता है। कुछ लोगों को वैरिकोसील में पेन भी नहीं होता, उनकी जब भर्ती होने वाली होती है स्पेशली अगर कोई मेडिकल भर्ती होने वाली होती है तो उसमें अल्ट्रासाउंड में आता है कि भाई हमें वैरिकोसील हो गया और अब आपको इसको ट्रीट कराना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी पेन कर सकता है। तो ऐसे जो प्रोफेशन है जैसे कि आप मिलिट्री में हैं या नेवी में जा रहे हैं, आर्मी में जा रहे हैं, पायलट हैं, तो ऐसे में अगर वैरिकोसील है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। दूसरा, वैरिकोसील को ट्रीट करने का रीजन हो सकता है कि अगर इनफर्टिलिटी होती है, अगर आपको परेशानी है तो फिर वैरिकोसील को ट्रीट करना की जरूरत पड़ सकती है। तो वैरिकोसील पहली बात हुई, हमने जो बात करी कि वैरिकोसील का जो पेन होता है वो सडन ऑनसेट नहीं होता, पेन बहुत माइल्ड होता है और वो धीरे धीरे धीमा धीमा मीठा मीठा दर्द रहता है। दूसरी तरह का जो पेन होता है कि अगर आपको पेन अचानक हो जाए, पेन के साथ आपको अगर बुखार हो, आपको यूरिन में जलन होने लगे, यूरिन इन्फेक्शन होने लगे, तो उसका जो दूसरा कारण होता है पेन होने का वो इपिडिडाइमाइटिस होता है। और इपिडिडाइमाइटिस जो है वो पेन जो है वो सडन ऑनसेट हो सकता है, या फिर अगर हमें बार बार प्रोस्टेट की परेशानी है तो उस केस में इपिडिडाइमाइटिस हो सकता है। इसके इन्फेक्शन के और क्या कारण हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकता है, अगर हमारे स्पर्म में अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर सीमन में कोई इन्फेक्शन है तो वो इपिडिडाइमिस में जाके इन्फेक्शन कर सकता है, अगर आपको लंबे समय तक कोई कैथेटर डाला गया है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी प्रोस्टेट सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो ये कारण होते हैं। तीसरे नंबर पे जो कारण है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमने शुरू में बताया कि अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास जाना है, ये वार्निंग साइन होता है। तो अगर आपको अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए टेस्टिस में, कि ऐसा दर्द कि असहनीय हो जाए वो दर्द, उसके साथ अगर आपको नौजिया वॉमिटिंग मतलब कि अगर आपको मछली आने लगे, आपको उल्टी आने लगे, तो ये जो है एक प्रमुख कारण होता है टेस्टिकुलर टॉर्जन का। टेस्टिकुलर टॉर्जन जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, क्योंकि हमारी जो टेस्टिस है और उसकी जो एक जो उसकी सप्लाई करने आर्टरी एक ही होती है, और अगर ये अपनी एक्सेस पे घूम जाए तो टेस्टिस पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर हमने 6 घंटे से कम टाइम पे अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास, तो टेस्टिकुलर टॉर्जन में आप अपनी टेस्टिस को लूज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर टॉर्जन को डिफ्रेंशिएट करना इपिडिडाइमाइटिस से। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मेरे पास कभी कभी ऐसे मरीज आते हैं जो अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। तो अगर आपको टेस्टिस में पेन है तो सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, तुरंत ही जो है वो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी आप अपनी टेस्टिस से हाथ भी धो सकते हैं, आपकी टेस्टिस को निकालना भी पड़ सकता है। और इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया है कि किस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स हों और उसको कैसे हम ट्रीट करें। अगर बुखार आ रहा है, उसके साथ टेस्टिस में दर्द है, वो इन्फेक्शन के कारण, लेकिन बुखार नहीं है, सडन आपको पेन हुआ, तो वो जो है आपको टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकता है। तो टेस्टिकुलर टॉर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके किसी भाई में टेस्टिकुलर टॉर्जन हुआ, आपके किसी परिवार में आपके में अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन है, तो ये जेनेटिक होता है, उनमें उन भाइयों में दूसरे को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। और मैंने कई इस तरह के केसेस करे जहाँ पे कि जब ब्रदर्स को ये प्रॉब्लम थी और उसको टेस्टिकुलर फिक्सेशन करना पड़ा उस टॉर्जन का, क्योंकि उन्होंने टाइमली दिखाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइमली दिखाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और सब्सक्रिप्शन जो बटन है, जो हमारा बेल आइकन है, उसको प्रेस करिए और व्यूज़ बढ़ाइए। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।